समुदाय और सबकी दो परिभाषाएं होती हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक में देखें तो सत्संग दो व्यक्तियों के मध्य होता है, लेकिन एक सत्संग की पराकाष्ठा वो भी है कि जब एक अकेला व्यक्ति भी बैठ कर के सत्संग करे, वो सत्संग की पराकाष्ठा है। फिर उसमें व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य का संग यदि जीवन में मिल जाए, हमारे दैनिक कार्यों में सत्य की गति आ जाए। काम तो सब करते ही हैं, लेकिन संग उसमें सत्य का जुड़ जाए तो वो सब कुछ फिर सत्संग ही बन जाता है। फिर आवश्यकता नहीं पड़ती कि दो चार व्यक्ति हो या कोई विशेष आयोजन हो तो ही सत्संग हो, वो भी फिर अपने आप सत्संग का रूप ले लेता है यदि सत्य का संग आ जाए। तभी तो इतना तुलसीदास जी ने सत्संग पर व्याख्यान दिया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। अब तो देखो जगह जगह सत्संग होते हैं, और फिर कहीं तुलसीदास जी से कहे कि आपने तो कहा था कि सत्संग बड़ी दुर्लभता से मिलता है, अब तो रोज ही 10-15 दिन में कहीं ना कहीं, इतना पहले नहीं होता था इतना, अब उनका कार्यक्रम बढ़ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, कि सत्संग संसार में दुर्लभ है, जबकि आज देखें तो सत्संग से ज्यादा सुलभ तो और कुछ है ही। लेकिन वो सत्संग यदि कहीं आध्यात्म में विचार करें तो वो भौतिक बात अलग हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी गहराई से विचार करें और यदि कहीं इसके मर्म को, तत्व को यदि कहीं स्पर्श करें तो ऐसा हो सकता है कि तुलसीदास जी किसी और सत्संग की बात कर रहे हो, और वो सत्संग तो निश्चित ही दुर्लभ होता है, क्योंकि वो बिना हरि कृपा के, बिना प्रभु कृपा के वो सत्संग नहीं मिलता। इसीलिए वो बार बार कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसार, सब कुछ मिल जाता है लेकिन सत्य बड़ी देर से मिलता है, क्योंकि सत्य कोई छोटा मोटा तत्व नहीं है। भागवत जी में प्रारंभ में वंदना में कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य तो ठाकुर जी का विग्रह है और भगवान तो योग से, ध्यान से, जप से ही मिलते हैं, लेकिन ये उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, उनकी कृपा की कितनी सराहना की जाए, कितना उन्हें धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि वे तो अकारण कृपा बरसाने वाले हैं जिससे उन्होंने राम चरितमानस रूपी इस ग्रंथ के व्याख्यान का और श्रवण लाभ का हमें अवसर प्रदान किया। अच्छा देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कथा केवल मोक्ष का साधन नहीं है, क्योंकि मोक्ष का साधन यदि कहीं होता तो तुलसीदास जी ने पीछे जो मानस शब्द जोड़ा है इसका कोई ना कोई तो विशेष कारण रहा ही होगा, तभी तो उन्होंने मानस शब्द जोड़ा है। केवल रामचरित्र भी तो हो सकता था, मानस जोड़ने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। हाँ, एक अर्थ ये भी हम मान सकते हैं कि राम जी ने मनुष्य लीलाएं की, इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि रामचरितमानस। लेकिन राम मानस चरित होता तो हो सकता है और भी, क्योंकि चरित्र में विशेषता मानव की है तो वैसे भी विश्लेषण पहले आता है, तो वो भी क्रम हो सकता था, लेकिन इसका कोई ना कोई विशेष कारण तो निश्चित रहा होगा, इसीलिए तुलसीदास जी ने इसका पूरा नाम रामचरितमानस दिया है। और इसका कारण यही है, एक तो कारण ये है कि रामचरितमानस को समझने के लिए इसका उल्टा कर दो, मानस चरित्र और राम, रामचरितमानस मानस चरित्र और राम, इसका अर्थ हो जाता है कि मानव तो ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य दे ही दिया है, और यदि कहीं मानव बनकर के अपने चरित्र को सुधार लिया जाए तो निश्चित ही आगे जाकर के राम जी की प्राप्ति बिना किसी श्रम के हो जाती है। कोई श्रम करना ही नहीं पड़ता, कोई विशेष मार्ग तलाशना ही नहीं पड़ता, मानस चरित्र राम, बस अपने चरित्र को सुधार लिया वही तो राम की प्राप्ति है, और राम जी ने किया क्या है? राम जी को रावण को मारने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता कि 14 वर्ष का समय लेते। आप बताओ, जब एक बाण के द्वारा वो समुद्र को सुखा सकते हैं, तो क्या वो क्षण में रावण की लंका में जाकर उसे मार नहीं सकते थे?
मार सकते थे। जब जानकी जी आदि शक्ति इतनी है कि जिस रावण को कोई नहीं मार सका, अही रावण हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, रावण राम जी के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन बाद में जो एक और महारावण है सहस्त्र बाहु, जब एक जानकी जी में इतना सामर्थ्य है कि ये रावण जैसे तो सहस्त्र बाहु में से हजारों रावण बन जाते, जो इतने बलशाली रावण को मार सकती है, तो क्या वो इस रावण को नहीं मार सकती थी? ये रावण नहीं है, रावण तो वास्तव में वही महारावण था सहस्त्र बाहु, जिसका वध काली स्वरूप बनकर के श्री जानकी जी ने किया। तो जब उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो छोटी सी अवस्था में धनुष को उठा सकती है और बड़ी होकर के सहस्त्र बाहु जैसे रावण को मार सकती है, तो वो फिर क्या नहीं कर सकती? तो क्या उन्हें कोई जरूरत थी कि वो अशोक वाटिका में रहती और इतनी लंबी प्रतीक्षा करती कि कब राम आए, कब रावण का वध करें, कब मुझे ले जाए? ये सब करने की उन्हें विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राम जी और जानकी जी चाहते तो वो क्षण में ही, वो पल में ही पलक झपकते ऐसे हजारों रावणों को साथ में मार सकते थे। लेकिन कारण बस यही था, राम जी का उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं था, राम जी का उद्देश्य उनके प्रेमियों पर, उनके भक्तों पर कृपा करना था। क्योंकि यदि पल में रावण को मार देते तो ना तो केवट मिलता, ना निषाद मिलता, ना शबरी मिलती, ना हनुमान से भेंट होती, ना सुग्रीव मिलते। वास्तव में तो राम जी की कृपा, रावण को मारना तो उनका एक केवल एक उन्होंने बिंदु बना लिया कि रावण को मारना है, लेकिन वास्तविक उनका लक्ष्य तो यही था कि उन्हें अपने चरित्र करके हमें शिक्षा दे दी है कि हमें मानव जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इसका रामचरितमानस नाम रखा है, क्योंकि मरने के बाद तो केवल आत्मा बचती है और इसका कोई आत्मा का ना तो कोई रूप होता, ना कोई रंग होता, ना कोई आकार होता, तो तुलसीदास जी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी मानस, क्योंकि कथा तो मोक्ष देती है। और फिर वो मोक्ष तो किसी को भी मिल सकता है, हाथी को मिल जाए, चींटी को मिल जाए, चिड़िया को मिल जाए, लेकिन मानस शब्द जोड़ने का मुख्य कारण यही था कि तुलसीदास जी और श्री राघवेंद्र की लीलाएं हमें ये शिक्षा देना चाह रही है, हमें ये सीख देना चाह रही है कि ये केवल मोक्ष का साधन नहीं है, अपितु मानस जोड़ करके शब्द पर जोर दे दिया कि ये कथा तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए है, जीवन के बाद की नहीं है, जब तक जीवित है तब तक ही ये कथा है। और इसी प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा के क्रम को आगे बढ़ाया, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी ठाकुर जी कितने बड़े भक्त हैं कि वो कहते हैं कि मुझे तो किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो केवल अपनी वाणी की पवित्रता के लिए निज गिरा कारण, अपनी गिरा को पवित्र करने के लिए, निज गिरा पावन करण कारण पवित्रता के लिए, आनंद के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का गायन किया। और वैसे भी तुलसीदास जी ने अंत में कहा ही है कि राम कथा का तो कोई भी गा ले, कैसे भी गा ले, उसे मुक्ति और मोक्ष आनंद तो मिल ही जाता है। क्योंकि ऐसा कौन है जिसे भगवान की कथा गाकर के आनंद और मुक्ति ना मिले? पाई न गति के पते तपाव राम भज सुन सठ मना, पाई न गति के पते तपाव राम भज सुन सठ मना, I'm not afraid to die।
इस प्रकार तुलसीदास जी ने सभी की एक एक करके वंदना करके अपने मन को श्री राम कथा का श्रवण लाभ करवाया। खुद ही गायन कर रहे हैं और खुद ही उसका श्रवण कर रहे हैं। धन्य है तुलसीदास जी जिनकी कृपा से आज हम सभी को नाना पुराण निगमाय सम्मतम यद रामायणे निगदितम पचक चंद्रयोपि ऐसी श्री रामचरितमानस के श्रवण करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि रामचरितमानस कोई साधारण विषय नहीं है। देखने में भले लगे कि ये केवल हिंदी में लिखा हुआ एक काव्य है, लेकिन अध्यात्म में दर्शन करें रामचरितमानस नाना पुराण निगमांग सम्मतम अनेक अनेक पुराणों से श्रुति सम्मत है। श्री रामचरितमानस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुख के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस का वर्णन किया। तो आज यहीं पर विश्राम, कल ठीक 12 बजे से आप सभी पांडाल में आकर के उपस्थित हो, फिर हम क्रमबद्ध ठाकुर जी की दिव्या उनकी नाम महिमा से लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरद्वाज याज्ञवल्क संवाद नारद मुनि इत्यादि यदि समय रहा तो अपनी कथाओं का श्रवण करेंगे। और भगवान भोलेनाथ का विवाह, सती चरित्र आदि इन प्रसंगों का हम बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करेंगे। तो आइए हम सभी एक भजन के साथ विश्राम, तदंतर भगवान की आज्ञा।